Hey guys, how are you? This is your friend Umesh Kushwaha and a very warm welcome to all of you who are learning under my guidance on this platform. Guys, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के विषय में. साइटोस्केलेटल, साइटो मतलब होता है सेल, स्केलेटल मतलब स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जो बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है. जैसे हमारे बॉडी में अगर हड्डियाँ नहीं होते, बोन्स नहीं होते, तो हमारी बॉडी कैसे दिखती? हमारी बॉडी ऐसे दिख सकती थी, समझ रहे हो ना? ऐसे कोई भी शेप हो सकता था, क्योंकि उसमें जब बोन्स ही नहीं होगा तो फिर दिखेगा कैसे? उसका कोई भी शेप नहीं होगा, ठीक है. तो चूंकि सेल आप जानते हैं सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है या फिर ऐसे शेप में होगा जैसे प्लांट सेल में होता है. तो ये शेप जो दिखाई दे रहा है वो शेप मेंटेन कैसे रहेगा जब तक उसमें स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा? यानी सेल के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी को हम लोग बोल देते हैं साइटोस्केलेटल सिस्टम या फिर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है. तो देखिए, फटाक से स्टार्ट कर देते हैं इस लेसन को. दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट फाइबरस स्ट्रक्चर्स. यानी ये जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी माइन्यूट होते हैं. चूंकि सेल ही अपने आप में काफ़ी माइन्यूट होता है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो काफ़ी माइन्यूट होंगे. तो वही कह रहा है, जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी माइन्यूट होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं. फाइबरस मतलब फाइबर जैसे होता है, एक थ्रेड जैसे होता है, उसी तरह ये भी होता है. यानी फाइबर्स होंगे, यानी फाइबर टाइप होंगे और माइन्यूट होंगे, काफ़ी छोटे होंगे, ठीक है. आज ये फटाक से दूसरे पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है. दे फॉर्म इंट्रासेलुलर फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क का मतलब जैसे हमारे बोन्स जो हैं वो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, तो जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्रेमवर्क, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि छाता, छाता में क्या होता है? छाता में बहुत सारे तार लगे होते हैं, ठीक है. उसको आप ऐसे जब स्ट्रेच करेंगे तो पूरा फैल जाता है. तो वो जो तार दिखाई दे रहे थे, जो स्टील या फिर लोहे की जो तार दिखाई देती है छाते में, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेमवर्क बनाते हैं. उसी तरह हमारे बॉडी में जो भी हड्डियां हैं वो क्या एक बनाती हैं? वो बनाती हैं एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, ठीक ना. तो यही जो हमारे बॉडी में फ्रेमवर्क बन रहा है, उसी तरह से सेल के अंदर भी फ्रेमवर्क बनता है. तो दे फॉर्म इंट्रासेलुलर. इंट्रा का मतलब हुआ इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल, यानी सेल के इनसाइड क्या बनाते हैं? फ्रेमवर्क बनाते हैं. जैसे मैं अभी बताया हूँ कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हड्डियाँ हैं, तो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक ना. तो एक्चुअली क्या है ना कि फ्रेमवर्क का मतलब सीधे सीधे आप ये समझ जाइए कि जैसे जो हमारी बॉडी, मान लीजिए हमारा बॉडी है, ये जो बोन्स हैं, ठीक है, इधर पैर में बोन्स हैं, हाथ में बोन्स हैं, तो ये जो दिख रहा है कंकाल, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रेमवर्क बोल रहे हैं. उसी तरह सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ये सब चीज़ें, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फैले होते हैं, जो कि एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है. दे ऑकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. यानी ये जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होता है वो केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है. प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि मान लीजिए अमीबा है, अमीबा कुछ इस टाइप का होता है जिसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक ना. तो कोई शेप क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं पाया था, ठीक है. तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए क्या लिखा है. डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप सिंपली, ठीक है. तो ये जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिस्कवरी फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी द्वारा हुआ था. फ्लोरिसेंस का मतलब आप क्या समझे? फ्लोरिसेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई आर्टिकल, कोई मैटर, कोई पदार्थ शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट करता है, ठीक है. तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लोरिसेंस, ठीक ना. तो कुछ इसी तरह का टेक्नोलॉजी होता है, यानी कुछ इस तरह का माइक्रोस्कोप जो कि फ्लोरिसेंस पे बेस्ड हो, तो उस माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई थी. किसकी? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स की, ठीक है. अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे. दीज स्ट्रक्चर्स यानी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स मेंटेन करता है. क्या मेंटेन करता है? तो शेप ऑफ द सेल, यानी सेल के शेप को मेंटेन करता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि अमीबा, उसका शेप जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता, इरेगुलर होता है. क्यों इरेगुलर होता है? क्योंकि उसमें साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना. या फिर अगर पाए भी जा रहे हैं तो पूरे शेप मेंटेन करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, कैपेबल नहीं है. जैसे कि स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो सिर्फ स्यूडोपोडिया वाले रीजन में ही पाया जा रहा है. जहाँ जहाँ स्यूडोपोडिया बन रहा है कुछ उधर ही पाया जा रहा है, और कहीं नहीं पाया जा रहा, समझ रहे हो ना. तो यही बताया जा रहा है कि जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं अमीबा में, इसी वजह से उसका जो शेप होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है. जबकि जिनमें वो मेंटेन करता है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उसके शेप को भी क्या करता है? मेंटेन करता है. तो ये जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हैं वो शेप को मेंटेन करते हैं एंड इट्स एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब होता है कितना फैला हुआ है, ठीक ना. जिस एरिया में, जिस रीजन में फैला हुआ है उस पूरे रीजन को कवर किया जाता है. कौन कवर किया जाता है?
तो ये कवर किया जाता है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो शेप मेंटेन करता है, उसके एक्सटेंशन को मेंटेन रखता है। रेगुलेट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब होता है झुकाव, किधर झुका हुआ है, ठीक है। तो जिस वे में भी सेल है उस वे में मेंटेन रखता है ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक ना। तो देख लीजिए, दिज स्ट्रक्चर्स मेंटेन शेप ऑफ द सेल, इट्स एक्सटेंशन, रेगुलेट ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि अगर ये सेल है तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इधर उधर फैले हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये किसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स की वजह से, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनेल कहीं पे फिक्स है तो किसके वजह से फिक्स्ड है, तो ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स की वजह से फिक्स है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो अब क्या क्या समझ गए, दिस स्ट्रक्चर्स मेंटेन शेप ऑफ द सेल, इट्स एक्सटेंशन, रेगुलेट ओरिएंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ द सेल्स। यानी कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है कौन, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब अगर ये सेल है तो सेल के अंदर ही, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे लेके जाना है कोई चीज़, तो ये कैसे मूव करेगा, तो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स की वजह से मूव करेगा। एंड मूवमेंट ऑफ द सेल, यानी सेल को अगर मूव करना है, इधर से उधर जाना है, तो किसके वजह से जाएगा, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की वजह से जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, तो माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इन्हीं तीनों की स्टडी हम लोग एक एक करके करेंगे इस लेसन में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो कि एक तरह का साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होगा, यानी काफ़ी छोटा सा होगा, जिसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, ठीक ना। लॉन्ग होगा यानी लंबा होगा, नैरो होगा यानी कि पतला होगा, सिलेंड्रिकल रॉड, जैसे सिलेंडर होते हैं कुछ इस टाइप का, तो सिलेंड्रिकल रॉड होगा ये, कौन, माइक्रोफिलामेंट। ऑकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, यानी प्लांट सेल में पाए जाएंगे और एनिमल सेल्स में पाए जाएंगे। मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो एक्टिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। 6 to 8 nanometer थिक, यानी ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं उसका जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, 6 to 8 nanometer होता है, ठीक है। सो बीडेड अपीयरेंस, बीडेड मतलब होता है दानेदार, ठीक ना। तो ये दानेदार अपीयरेंस देते हैं ड्यू टू हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो हेलिकल होता है प्लस बीडेड होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप माला पहने तो माला में देखते होंगे जैसे ये दाना होता है, एक एक दाना ये करके, यही दानेदार हेलिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में अरेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कुछ बनाया, ठीक है, देख रहे हो ना, ये हेलिकल है, ठीक है, और दानेदार भी है, ठीक है। तो यही जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दानेदार भी होते हैं प्लस हेलिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो बीडेड का मतलब क्या हुआ, बीडेड का मतलब वही दानेदार, ठीक है, दाना दानेदार का, बीड बीड मतलब दाना, ठीक है ना। तो दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेलिकली अरेंज होते हैं, समझ रहे हो ना, कुछ यूं यूं यूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो हेलिकली अरेंज होते हैं ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स, किस में पाए जाते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दे ऑफन एसोसिएट टू फॉर्म हेक्सागोनल बंडल्स, यानी ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो हेक्सागोनल बंडल्स बनाते हैं, ठीक ना। दीज आर कॉन्ट्रेक्टाइल, यानी ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, ठीक ना। यानी ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो कॉन्ट्रेक्टाइल हो गए, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। देखिए, ये जो माइक्रोफिलामेंट होता है ना वो माइक्रोविलाई में पाया जाता है। माइक्रोविलाई क्या होता है, तो माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भोजन का, ठीक ना। तो माइक्रोविलाई जो है वो मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा, ठीक है। उसी तरह मायोफाइबल्स हैं जो कि मसल्स में पाए जाते हैं, उसमें भी माइक्रोफिलामेंट होता है जो कि इसको मेंटेन करता है। इसके अलावा ये जो सुडोपोडिया है जो कि बनता है अमीबा में, उसको भी मेंटेन करता है, कौन मेंटेन करता है, तो ये माइक्रोफिलामेंट करता है। यानी माइक्रोफिलामेंट के वजह से ही सुडोपोडिया जो है वो बन पाते हैं, ठीक ना। देखिए, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ना वो हेल्प करते हैं इंडोसाइटोसिस में भी और एक्जोसाइटोसिस में भी। इंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, ठीक है, और एक्जो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड, ठीक है। यानी सेल के अंदर अगर कोई चीज़ आ रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस, और सेल के बाहर अगर कोई चीज़ आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्जोसाइटोसिस, ठीक ना। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो इंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं, यानी कोई सेल कुछ अंदर ले रहा है तो उसमें भी हेल्प करता है, और सेल अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो उसमें भी हेल्प करता है, कौन, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। अब आज ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे, तो दीज आर सॉलिड, ये काफ़ी सॉलिड होते हैं, अनब्रांच होते हैं यानी इनमें ब्रांचिंग नहीं हुई होती है। फिलामेंट्स ऑफ अबाउट 10 nm थिकनेस,
और ये ऐसे फिलामेंट्स होते हैं जिसकी थिकनेस जो होती है वो 10 नैनोमीटर होता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो सॉलिड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और ये जो फिलामेंट्स हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो 10 nm होती है, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ना, वे बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि केराटिन, वाइवेंटिन, डेस्मिन, पेरिफेरिन, लैमिन, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनके मिलकर ये बने होते हैं कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू द सेल्स, सेल्स जो होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कौन प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट फिलामेंट क्लियर हो गया। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे, यानी माइक्रोट्यूबुल्स पे। माइक्रोट्यूबुल्स हमारा लास्ट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। तो ये जो माइक्रोट्यूबुल है वो डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, डी रॉबर्ट्स एंड फ्रांसी के द्वारा। ये जो माइक्रोट्यूबुल है वो नाम दिया गया था किसके द्वारा, तो स्लॉटरबैक, किस सन में दिया गया था, तो 1963 में, यानी 1963 में स्लॉटरबैक ने माइक्रोट्यूबुल टर्म दिया था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं ना वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, समझ रहे हो ना। तो पहला वाला किसका बना हुआ था, एक्टिन प्रोटीन का, दूसरा वाला ये बहुत सारे प्रोटीन्स हैं इसमें, तीसरे वाले में ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये सारे प्रोटीन का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट में, किसके मूवमेंट में, तो क्रोमोजोम्स के, किधर की तरफ, तो पोल की तरफ, ठीक है। यानी जब सेल डिवाइड करने वाला हो, जैसे मान लीजिए सेल है यहाँ पे, आप जानते हैं मेटाफेज में क्रोमोजोम्स इक्वेटर पे आ जाते हैं, और फिर ये मूव करते हैं किसकी तरफ मूव करेंगे, इसका एक क्रोमेटिड जो होगा वो पोल की तरफ मूव करेगा, दूसरा क्रोमेटिड इधर मूव करेगा, समझ रहे हो ना। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का, वो किसके वजह से होता है, वो इसी माइक्रोट्यूबुल की वजह से होता है, समझ रहे हैं ना। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए मत, मैं आपको जब पढ़ाऊँगा सेल डिवीजन तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लेसन में इतना ही, मेरे साथ बने रहिए, मेरे आने वाले लेसन का वेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन।